दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर अजय कांबले, जो कि होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट हूँ। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देखा जा रहा है कि वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। हाँ। तो आप ये बताइए कि जैसे डायरिया, गैस्ट्रो, ये काफ़ी बढ़ रहा है। हाँ। होम्योपैथिक में किस तरह की स्पेशलिटी है और किस तरह से आप लोग निदान करते हैं, उस बारे में बताइए। होम्योपैथी, देखिए, होम्योपैथी इट सेल्फ इज अ स्पेशलाइज्ड साइंस, जिसमें हम होम्योपैथिक के रोगी के लक्षण देखते हैं। हम देखते हैं कि वो स्पेसिफिक डिसीज जैसे वायरल फ्लू लेके आ रहा है, वो उसके साथ साथ पेशेंट खुद के जो रिएक्शन जो है पर्टिकुलर डिसीज के प्रति वो क्या दे रहा है, उसके खुद के जो लक्षण है वो क्या हो रहा है, साथ साथ वो डिसीज़ के साथ साथ वो देखते हैं। और उसके साथ साथ हमारे होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, उसमें से स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन के लिए दवाइयाँ सिलेक्ट करते हैं और उसमें से जो दवाइयाँ देते हैं उससे 2-3 दिन के अंदर वो जो फ्लू है वो कवर हो जाता है। जैसे कि जो डिजीज होती है उसमें क्यूरेटिव स्पेशलाइजेशन आपका एक पार्ट है आपकी क्लिनिक का। आप ये बताइए किस तरह का स्पेशलाइजेशन है उस बारे में। क्यूरेटिव मतलब कि डिजीज को जड़ से ख़त्म कर देना है। डिजीज को जड़ से ख़त्म इसलिए करता है कि हम जो है पेशेंट को सिर्फ डिसीज नहीं देखते हैं, एक डिसीज नहीं, पेशेंट को एज अ होल देखते हैं, पेशेंट को एज अ होल विद अ डिसीज। वो डिसीज के साथ साथ पेशेंट को पूरा पूरी तरह से उसकी जो सिम्टम्स है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसके जो माइंड के सिम्टम्स है, उसके जो शारीरिक सिम्टम्स है, ये सारे कंसिडर करके उसके पर्सनैलिटी को मिलती जुलती एक दवा सिलेक्ट की जाती है। उस दवा के साथ साथ उसका सिलेक्शन होने के बाद, जो दवा देने के बाद में उसके शरीर में जो उसकी जो खुद की इम्यूनिटी है, उसके जो रोग के खिलाफ लड़ रही है, वो एक्टिवेट हो जाती है और उस डिसीज़ को जड़ से ख़त्म करने में उसकी मदद करती है। उस तरह से पूरी तरह से वो डिसीज़ ख़त्म हो जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो यंगर जनरेशन है, हाँ, उसमें एक लाइफस्टाइल डिजीज चल रहा है। हाँ। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, yes, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस है। हाँ। बाहर का जंक फूड खाना, ओबेसिटी का प्रमाण बढ़ रहा है। हाँ। तो आप ये बताइए कि किस तरह से इसे रोकथाम कर सकते हैं और क्या आप लोगों का एक अवेयरनेस। लाइफस्टाइल डिजीजेस में ऐसा है कि आपको सबसे पहले तो लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा, उसमें कोई भी मेडिसिन का रोल उसके बाद में आता है जब डिसीज स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसके पहले ताकि डिसीज ना हो देखना है आपको, तो आपको लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा, रोज चलना पड़ेगा, 1 घंटा वॉकिंग करना पड़ेगा, खाने पीने में जंक फूड ये सब चीज़ें अवॉइड करना है, न्यूट्रिशियस चीज़ें खाना है, ज़्यादातर वेजिटेबल जो है उसको कंज्यूम करना है, जो न्यूट्रिशियस फ्रूट्स है, फल है, ये सारी चीज़ों को कंज्यूम करना है। उसके साथ साथ आप जो भी आपके ऑक्यूपेशनल डिसीजेस है, जैसे कॉन्स्टेंट बैठे बैठे काम कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस बैठे रहे, उठना है, थोड़ा सा घूम फिर के आना है, फिर काम करना है, इस तरह से ये करना है। और उसके बाद अगर डिसीज आते हैं तो आप होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है, उसमें हम पर्सनैलिटी को कंसिडर करते हैं तो सारी जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर होने लगती है और पूरी तरह से क्लियर हो जाती है। कुछ एलोपैथिक दवा जो सेवन करते हैं लोग, हाँ, जो क्रोनिक प्रॉब्लम्स हैं, कोमॉर्बिडिटी जो पेशेंट है, हाँ, देखते जा रहे कि वो मेडिसिन लेते जा रहे हैं, हाँ, और सेकंड थिंग उनको साइड इफेक्ट्स होते जा रहे हैं। हाँ, तो आप ये बताइए यदि ये पेशेंट आपके यहाँ आते होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए, हाँ, तो असाध्य रोगों को जड़ से जो निकालते हैं, तो इसमें किस तरह का कारगर हो सकता है उस बारे में। होम्योपैथी बहुत ही कारगर दवा है ऐसी चीज़ों में। कितना भी अगर कोमॉर्बिडिटी है या कोई भी दवाइयाँ चल रही है, उसके साथ साथ भी हम जो पर्टिकुलर पर्सन को कंसिडर करके दवा स्टार्ट करते हैं, तो उसको जो तकलीफें हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और जो एक्यूट कंडीशन है उसमें तो वेरी क्विकली और वेरी कंडीशन जो है कम्प्लीटली फटाफट रिकवर होने लगती है, जैसे वायरल हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, फ्लू हो गया, या जो भी एक्यूट डिसऑर्डर्स है उसमें तो होम्योपैथिक दवा एकदम क्विकली काम करने लगती है। और क्रोनिक कंडीशन जिसमें मॉर्बिडिटीज़ है, दवाइयाँ ले रहे साथ साथ, उसमें भी बहुत अच्छे से दवाइयाँ देने के बाद में इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे उनकी दवाइयाँ भी कम होने लगती है, उनका जो तकलीफ कम होने लगती है, तो साथ साथ दवाइयाँ भी उनकी जो कम होने लगती है, कम हो जाती है अपने आप। एलोपैथिक डॉक्टर भी खुद कम कर देते हैं, क्योंकि अब ठीक है तो वो दवाई अपने आप कम होने लगती है। सर, कोविड के बाद एक ऐसा सिनेरियो जनरेट हुआ है, मेल और फीमेल में जो डिस्पेरिटी जिससे कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, सेक्रेटरी प्रॉब्लम हो गया, तो ये और सेकंड थिंग ये त्वचा के विकार हो गए, ये रैशेस, ये सारे प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़े हैं, तो होम्योपैथिक में ऐसी किस तरह की स्पेशलिटी होता है। होम्योपैथी में देखिए, सबसे पहली बात तो हमने एपिडेमिक डिसीज कोविड को खुद होम्योपैथिक दवा से ट्रीट किया है। मैंने बहुत सारे मोर देन 200 पेशेंट्स कोविड के जो एक्टिव केसेस है, जिनका दूसरा कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, उन केसेस को भी होम्योपैथिक दवा से ट्रीट किया है। और होम्योपैथिक दवा से वो लोग रिकवर हुए हैं, जो वेंटिलेटर पर थे उन लोगों को भी होम्योपैथिक दवा से बाहर लाया है। हॉस्पिटल्स में भी जो एडमिट थे, जो रिकवर नहीं हो पा रहे थे, उनको भी होम्योपैथिक दवा से ट्रीट किया है। और उनके बाद के जो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस आए कोविड से रिलेटेड, जो कॉम्प्लिकेशन जैसे वैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप जॉइंट्स वगैरह चीज़ें हैं, या फिर लोगों को डायबिटीज स्टार्ट हो गया, उसके बाद में लोगों को हाइपरटेंशन स्टार्ट हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें जो है हम
होम्योपैथिक दवा से टैकल करने में वेरी सक्सेसफुल है, सक्सेसफुली उसका ट्रीटमेंट किया है जितना भी कॉम्प्लिकेशन कोविड के बाद हुआ है वो। साथ साथ जो सोशल प्रॉब्लम जो क्रिएट हुए हैं सोसाइटी के अंदर कोविड के वजह से, उसको भी डील करने में होम्योपैथी बहुत वेरी कारक बहुत ही अच्छा है। उसका कारण यह है कि हम हर बार पेशेंट को जब जब शारीरिक सिम्टम देखते हैं तब तब मानसिक सिम्टम भी देखते हैं, हम उसकी मानसिक दशा देखते हैं, कोई पेशेंट में जो भी कुछ मानसिक चेंजेस आए हैं वो सब देखते हैं, वो सारे लक्षण देख के हम दवा देते हैं, और जो दवा सिलेक्शन करते हैं वो दवा उस चीज़ को ख़त्म करती है, वो चीज़ को पेशेंट को उस नॉर्मल हेल्थी कंडीशन में लेके आती है। शहम इदब के दर्शक डॉक्टर अजय कांपले, जो कि आप होम्योपैथी स्पेशलिस्ट हो, आपको हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं, इवन आपका फ़ोन नंबर और आपका क्लिनिक का एड्रेस हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसे देखते हुए कभी भी आपके यहाँ संपर्क कर सकते हैं। यदि वे पेशेंट आपके यहाँ आते हैं क्लिनिक में, तो आप ये बताइए कि किस तरह की स्पेशलिटी होम्योपैथी से रिलेटेड अपने यहाँ अवेलेबल है उस बारे में। होम्योपैथिक में हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, जितने भी सारे क्रोनिक डिसऑर्डर्स है या फिर जितने भी एक्यूट डिसीजेस है, चाहे एपिडेमिक डिसीज होते हैं जैसे कोविड जैसे होके गया, ऐसे कोई भी एपिडेमिक डिसीज आते हैं या डेंगू जैसे रिलेटेड डिसीजेस आते हैं, एपिडेमिक हो गया या दूसरे कोई भी एपिडेमिक आता है, या कोई भी क्रोनिक जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, कैंसरस कंडीशंस हो गई, ओवेरियन सिस्ट हो गया, फीमेल प्रॉब्लम्स हो गए, मेंटल डिसऑर्डर्स हो गए, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर हो, गैस्ट्रिक अल्सर जैसे डिसऑर्डर्स हो गए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गए, रेस्पिरेटरी जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो गए, ये सब हो गया, रूमेटिक कंप्लेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें होम्योपैथी में हम होम्योपैथी से वेरी इजीली वेरी इफेक्टिवली होम्योपैथी से ट्रीटमेंट करते हैं। और जो ट्रीटमेंट करते हैं जो जो डॉक्टर हैनेमन ने होम्योपैथी को इस्टेब्लिश किया, उनके जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल से ट्रीटमेंट करते हैं। उस कारण से क्या होता है, जो हम जो दवा सिलेक्ट करते हैं, जैसे दवा पेशेंट लेना चालू करता है क्विकली उसका एक्शन दिखाई देता है और लोगों को रिलीफ आना चालू हो जाता है, हमारे सारे भारतवासियों को और हमारे सारे पेशेंट्स, हमारे सारे हमसे जुड़े हुए सारे लोग, हमसे जुड़े हुए सारे मीडिया के लोग, सबको हम इस 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ देते हैं।